कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू अनाउन्स द रिझल्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स अँड कॅन यू गेस टू हुम आय एम गोइंग टू अनाउन्स अँड द अवॉर्ड गोज टू कुशलजी महाजन, संदीपजी टाटे अँड अमोलजी माहुरे. क्या है इन फार्मर्स में? व्हाई आर दे गेटिंग दिस अवार्ड? कितने लाखों फार्मर्स है महाराष्ट्र में, इंडिया में, क्यों इनको आप अवार्ड दे रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम? कैन वी सी समथिंग? क्या है इनमें? कुशल महाजन, यंग फार्मर फ्रॉम विदर्भा, यंगस्टर. अभी हमने थोड़ा हमारा रास्ता चेंज किया है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन यंगस्टर्स. 25 years to 35 years के बीच में जितने भी फार्मर हैं, उनके पीछे पड़े हैं. एग्रीकल्चर में आई अगर हैं तो छोड़िए मत. यू कैन डू समथिंग हियर. दिस इज द चेंज वी वांट टू सी इन एग्रीकल्चर. यंगस्टर्स गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर. टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और ये सब टेक्नोलॉजी ये सब यंगस्टर्स यूज में ले रहे हैं. आप इनको बोलिए व्हाट्सएप कॉल करना है, आप इनको बोलिए कि कोई कुछ चीज डाउनलोड करनी है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखने हैं, कुछ गूगल पे सर्च करना है, ऐसे कर लेते हैं ये. और ऐसे यंग फार्मर्स अपने को चाहिए. कुशल महाजन अपने खेतों से लाइव बोल रहे थे कुछ देर पहले, वो लाइव थे ही अभी हैं, तो जरा आनंद जी आप उनका वीडियो दिखाइए जो अभी कैप्चर हुआ है कुछ देर पहले उनके खेत से लाइव. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी कुशाल खेमदेवराव महाजन, राहणार पळडा, तालुका समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा येथील शेतकरी आहे. मी 2018 कॉटन गुरु श्री मनीजी डागा सर यांना हिंगणाटी कार्यक्रमात भेटलो व त्यानंतर मी कॉटन गुरुसोबत जुळलो आहे. मी मागील वर्षी कॉटन गुरु अमृत पॅटर्न प्रदर्शन खेत या अंतर्गत कापूस लागवड केलेली आहे व मी माझ्या पारंपरिक शेतीमध्ये 10 क्विंटलपर्यंत उतारा घेत होतो, परंतु मागील वर्षी कॉटन गुरु प्रदर्शन खेतसोबत जुळल्यापासून मला मागील वर्षी 17 क्विंटलचा उतारा आलेला आहे. आणि यावर्षीसुद्धा मी कापूस पीक चांगल्या पद्धतीने घेतलेलं म्हणजे झालेलं आहे, माझं तयार आहे आणि मला यावर्षी 20 क्विंटलपर्यंत उतार येण्याची शक्यता आहे. आणि मला वेळोवेळी कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत अंतर्गत योग्य मार्गदर्शन केल्या जाते आणि मी कॉटन गुरुसोबत जुळल्यापासून मला शेतीमध्ये भरपूर प्रमाणात नॉलेज मिळत आहे. तसेच कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत अंतर्गत मला जी कापूस भावाबद्दल जी काही अडचण येत होती तीसुद्धा मी मनीजी डागा सर यांच्याशी चर्चा करून सोडत असतो. कॉटन गुरुमध्ये मी ट्रेनिंगसुद्धा घेतलेलं आहे आणि भविष्यात मी कॉटन गुरुसोबत ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणूनसुद्धा काम करणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या असतात त्या कॉटन गुरु या चांगल्या प्रकारे सोडत असतात. मी श्री मनीजी डागा सर यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्यासारख्या युवक तरुणांना शेतीमध्ये उत्साही केले. धन्यवाद. कुशल भाऊ नमस्कार सर, कसं वाटतंय अवॉर्ड जिंकून? आज जीवनातील खूप एक मोठा क्षण वाटत आहे मला की आज कॉटन गुरुकडून मला एक पुरस्कार प्राप्त होत आहे. त्याचं मी सर्वश्रेष्ठ श्रेय मी माझे सानिध्यात असणारे श्री अमृतरावजी देशमुख आणि कॉटन गुरुचे श्री मनीजी डागा सर, एक कापूस कसा पिकवा तो ते अमृतरावजी देशमुख यांच्याकडून शिकावे आणि कापसाला कशा पद्धतीने विकावे ते श्री मनीजी डागा सर यांच्याकडून शिकावे. आज खूप अभिमानास्पद वाटत आहे की मी आज तुमच्यासारख्या व्यक्तींसोबत जुळलो आहे आणि वेळोवेळी तुमची खूप साथ मला मिळत आहे आणि माझ्यासारख्या युवक तरुणांना तुम्ही योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन करता त्यासाठी मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो. तुम्ही सर्व भारताच्या शेतीमध्ये भवितव्य आहात कुशल भाऊ, है ना? थँक्यू. कुशल महाजन, व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर फ्रॉम विदर्भा, महाराष्ट्र. हु इज द नेक्स्ट वन? समर्थ संदीप टाटे. कहाँ है संदीप टाटे? उनका वीडियो दिखाइए, अभी वो कुछ देर पहले खेत से लाइव थे. के साथ भी 3 साल से हम जुड़े हुए हैं
अभी स्टेकिंग मेथड में यील्ड ज़्यादा आता है। ये पैटर्न हमको पसंद आने के बाद ये पैटर्न में हम कपास लगाना चालू कर दिए। ऐसा 2017 से हम ये कपास कंटिन्यू चालू है, वहाँ से 5 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 4 एकड़ ऐसा पैटर्न में चालू है। और फिर हम गए 2 साल से ये आयल टेक्नोलॉजी, पुन्नुस्वामी बोल के एक तमिलनाडु का फार्मर है, उनके उन्होंने हमें गए साल डेमो दिए थे, अच्छा ईल निकाले हम वहाँ। हम गए साल 5 एकड़ में ओवरऑल 110 क्विंटल तक ईल निकाले, ऐसा ज़्यादा भी निकालते थे, एक सीड वहाँ फेल हो गया था। और हम 22 से 25 क्विंटल तक ईल निकाले। अभी ये फिलहाल प्लाट 4 एकड़ का है, अभी ये पूरा कंप्लीट स्टेकिंग हो गया है। ये प्लाट का ईल कितना आता क्या आया था, ये काटन गुरु का मार्गदर्शन भी हमको अच्छा लाभ में हो रहा है उनके साथ, और ये स्टेकिंग मेथड अमृत राव जी के साथ, और ये आयल टेक्नोलॉजी, तीनों मिला के हमारा ये प्लाट अभी चालू है। ओवरऑल कंडीशन तो अच्छा है। ये आयल में क्या है बोले तो, इसमें दूसरे टेक्नोलॉजी में बोल साइज़ में डिफरेंट आता, दूसरे इसमें कपास का वेट एक बोल पर 5.5 आएगा तो इसमें 7 पॉइंट आता, इसमें वेट आयल टेक्नोलॉजी में वेट ज़्यादा आता है। इसके साथ ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास ये अभी तेलंगाना में तो चालू है, इसका ओवरऑल ये भी टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं। अभी तीनों मिलके तो हम ईल्ड को ज़्यादा निकालने का ट्राई तो कर रहे हैं। ये साल में देखेंगे 4 एकड़ का प्लाट है कितना निकालता है, काफ़ी मेंटेनेंस रहता फिर बाद में बोल सकते हैं। अभी तो फिलहाल कपास का कंडीशन तो बहुत ही अच्छा है। अभी ओवरऑल में अभी तो कपास क्या है बोले तो धूप में सूख जाता है। ये आयल में क्या है बोले तो धूप में कपास भी अच्छा दिखता है, ये ग्रीनरी ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा टाइम तक इसमें हरापन टिके रहता है आयल स्प्रे करने से। ये आयल टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, इसमें ज़मीन भी मुरवाड़ होती है। अभी ये प्लाट को हम 100 लीटर्स आयल, 4 एकड़ को 100 लीटर्स आयल 2 टाइम में डाले हुए है। अभी देखेंगे यार टेक्नोलॉजी भी अभी तो इम्प्रूव कर रहे हैं। ये हमारा डेमोस्ट्रेशन प्लाट चल रहा है, अभी हमारा और एक प्लाट है सामने, उसको भी स्टेकिंग करना चालू कर दिए। वो हमारा ओन का प्लाट है, ये फिलहाल 4 एकड़ का डेमो प्लाट है। राइट, देखिए ये प्लॉट इनका संदीप टाटा, एकदम अंधेरा हो रहा था इसलिए आपने कुछ देर पहले उसको शूट कर लिया। आपने पहले प्लांट देखे थे जो हमने प्रेजेंटेशन में दिखाए थे, क्या हालत थी उस प्लांट की, और देखिए इस प्लांट के किस तरह ये इनोवेटिव फार्मर्स कुदरत के सामने लड़ के भी ये कह रहे, ये है सर्टिफिकेट्स जो हम इन इनोवेटिव फार्मर्स को दे रहे हैं और ये इनके हकदार हैं, पूरी तरह हकदार हैं। कुशल महाजन पहले, उसके बाद संदीप टाटे। And the third rank goes to Amol Ji Mahore. Congratulations, sir. Amol Mahore, congratulations. ये भी बहुत ही प्रगतिशील किसान है। इनको कैप्चर किया है इनके खेत से, सब लाइव जुड़े थे, कुछ सनलाइट जा रही थी इसलिए हमने उनको शूट कर लिया उनके खेतों से कुछ देर पहले। मावड़े राहणार सिंगणापूर तालुका दर्यापूर जिल्हा अमरावती मंजोड, 25 एकराची कपाशी आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे मी 15 ते 17 क्विंटलपर्यंत उत्पन्न घेतो, याही वर्षी सुद्धा मला 15 ते 17 क्विंटलपर्यंत उत्पन्न होईल। आणि कोरडवूची शेती आहे सर्व, आणि त्याच्यानंतर याही वर्षी पण मला कपाशीचा रिझल्ट चांगला मिळणार आहे, कपाशी चांगली आहे याही वर्षी, अशा पद्धतीमध्ये आहे। कट करता है, कट करूँ। इस किसान के बोलने पर मत जाइए, उसके खेत को देखिए, रेन फेड खेती है ये, कोरडवाऊ मतलब बारिश पर आधारित खेती कर रहे हैं ये, पर झाड़ के और हालत देखिए, पत्तों की ताकत देखिए, क्लोरोफिल से भरे हुए हैं ये पत्ते, और इनके कॉटन बॉल भी 5 से 6 ग्राम से कम नहीं आने वाले हैं, और 17 क्विंटल का यील्ड, जबकि इनके एरिया में एवरेज उत्पन्न 8 से 10 क्विंटल का है, तब ये 17 का ले रहे हैं ड्राई एरिया में।